अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ना रिदम नहीं बन रहा था वीडियो बनाने का, और मैं ये म्यूज़िक पिछले एक घंटे से सुन रहा था, तो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा सुना देता हूँ, शायद आपका भी आज पढ़ने का रिदम ना हो। तो हमारा रिदम बन चुका है, तो आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसका जो मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड ने जारी किया है, नया आपका जो एसएलओ बेस्ड मॉडल पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी सॉल्व करेंगे और इसका हम सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो मैंने पहले भी सॉल्व किया था, तो बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, तो इसको हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो जनाब, पहला आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, और इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। आपने क्या करना है, इस पैसेज में से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने छह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट समरी राइटिंग, जो कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा। और उसके बाद आपने कोई से पांच क्वेश्चन करने होंगे जिनके चार नंबर होंगे और 28 नंबर का आपका ये पेपर होगा। अब इसमें जो पैसेज आपको दिया गया है ये बेसिकली आपकी बुक में ही एक चैप्टर है चॉइस ऑफ करियर, उसमें से ये एक पैसेज जो है वो आपको दिया गया है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, यानी कि इसकी समरी भी लिखें और इसका टाइटल भी लिखें। तो अब इसका जो टाइटल है, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ें तो ये करियर के हवाले से है। आप इसका टाइटल चॉइस ऑफ करियर भी दे सकते हैं, करियर कंसीडरेशंस भी दे सकते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ करियर भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ करियर कंसीडरेशन ही लिखेंगे तो आपका आपको एक नंबर मिलेगा, यानी कुछ भी करियर से रिलेटेड आप कोई वर्ड जो है वो लिख देंगे तो आपका टॉपिक जो होगा, आपका जो टाइटल होगा वो उसका आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन यह है कि आप चूंकि करियर के हवाले से है, और अगर आप इसका टाइटल दे देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फुटबॉल, तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। समरी की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग एंड एवरीवन मे चेंज एट सम स्टेज और द अदर, योर करियर पाथ शुड देयरफॉर बी फ्लेक्सिबल, कीप रिव्यूइंग टू इंश्योर दैट द करियर यू वॉन्ट इज इन लाइन विद योर इंटरेस्ट्स एंड लाइक्स एंड कॉरिस्पॉन्ड्स टू योर आइडिया ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। Then look for available occupations that match your interests. Once the focus is on a specific career, see what qualifications it requires. Careers like project management may require certification, whereas accountancy, management and finance will require you to have a good mathematical and calculation skills. Also consider the extra personal factors like the market demand and ease or otherwise of entry. कंसल्टेशन विद फ्रेंड्स एंड प्रोफेशनल्स इज ऑल्सो एडवाइजेबल। तो ये इस तरीके से आपने इसकी ये तकरीबन 10 लाइन्स की समरी है। आप जब इसको पेपर पे लिखते हैं तो आपकी 15 लाइन्स की हो सकती है, लेकिन 15 लाइन से ज़्यादा लंबी आपको समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन रियल लाइफ। सो चेंज इज सेड टू बी द स्पाइस ऑफ लाइफ, लाइफ इज नेम ऑफ चेंज, एवरीवन एंड एवरीथिंग चेंज, आवर इंटरेस्ट्स, likes, dislikes, needs, wants and preferences may change with time. One has to change his line of action accordingly ke uske mutabik hi. Without change life would become stagnant and dull. Stagnant ka matlab ke jo jis tarah khada pani hota hai us tarike se aapki zindagi badi badmaza si zindagi aapki ban jayegi. Acha, why it is necessary to know about your needs and wants before deciding on a profession? Ke ye janna kyun zaruri hai कि आप क्या करना चाहते, अपनी नीड्स को और अपनी ख्वाहिशात को जानना क्यों जरूरी है बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ प्रोफेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये बनेगा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो वंस नीड्स एंड वांट्स बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ प्रोफेशन, बिकॉज क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस वन कैनॉट मेक अ जुडिशियस डिसीजन। जुडिशियस डिसीजन एक मुनसिफाना फैसला, यानी बगैर अपना जायजा लिए आप कोई मुनसिफाना फैसला नहीं कर सकते रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ करियर। इफ अ पर्सन डज नॉट नो वट ही रियली वॉन्ट्स इन लाइफ ही विल चूज अ रॉन्ग प्रोफेशन। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप कोई गलत शोभा जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ सोशल स्टेटस मैटर्स फॉर हिम द मोस्ट, इवन अ हाई पेड जॉब मे नॉट यू नो ब्रिंग हिम सेटिस्फैक्शन एंड जॉय। क्योंकि अगर एक बंदा है उसको सोशल स्टेटस चाहिए, तो अगर उसको एक ऐसी जॉब भी मिल जाती है जिसमें उसको पैसा बहुत ज्यादा मिले, लेकिन अगर उसको सोशल स्टेटस नहीं मिलेगा तो फिर उसमें उसको मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट बिफोर चूजिंग एन ऑक्यूपेशन, के कोई भी शोभा जो है उसको सेलेक्ट करने से पहले आपके लिए अपने इंटरेस्ट जो होते हैं उनको जानना क्यों जरूरी होता है। सो अ गुड ऑक्यूपेशन इज द वन विच ब्रिंग्स वन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अच्छा शोभा वही होता है जो आपके लिए खुशी और इत्मीनान लेकर आए, एंड इट कैन नॉट डू सो इफ इट इज़ नॉट इन लाइन विद वंस इंटरेस्ट। और खुशी और इत्मीनान आपको तब तक नहीं मिलता जब तक जो शोभा आपने सेलेक्ट किया है वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ना हो। इफ वन डज नॉट नो वंस ऑन इंटरेस्ट, अगर किसी को अपने इंटरेस्ट ही ना पता हो, ही मे चूज अ करियर फॉर अ रॉन्ग रीजन। इफ अ पर्सन नोज हिज इंटरेस्ट, अगर अपने इंटरेस्ट पता हो, ही विल चूज अ करियर दैट मैचेस हिज इंटरेस्ट एंड दस कीप्स हिम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हैंस द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग वंस इंटरेस्ट
इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग वंस करियर कैन नॉट बी इग्नोर्ड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, कि कोई भी एक खास शोभा जो है उसको ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ज्वाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन इज दैट वन शुड कैरी आउट अ थॉरो सेल्फ असेसमेंट टू असर्टन वट फील्ड मे सूट हिज पर्सनैलिटी एंड विल ब्रिंग हिम सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. तो पहला काम तो ये होता है कि आपने ये सेल्फ असेसमेंट करनी होती है कि कौन सा शोभा है जो आपके लिए खुशी और इत्मीनान लाएगा. द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेशन. उसके बाद फिर आप उसमें एक खास शोभा जो है, जैसे टीचिंग है तो टीचिंग में फिर आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. अच्छा, देन वन हैज़ टू अक्वायर पर्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इन टू द प्रोफेशन. फिर उसके बाद जिस प्रोफेशन में आप एंटर होना चाहते हैं उसके लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, जो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए वो आप हासिल करते हैं. वन शुड ऑल्सो टेक इन टू कॉन्सिडरेशन द एक्स्ट्रा पर्सनल फैक्टर्स लाइक मार्केट रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा बिफोर एंटरिंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन. तो इसके साथ साथ आपको जो लास्ट काम करना होता है वो ये करना होता है कि आप जो फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं आप उसका मार्केट एनालिसिस भी करते हैं कि उसकी ज़रूरत भी मार्केट में होगी या नहीं होगी. अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू गैदर एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स, कि अगर आप अपने शोबे के हवाले से लोगों से मशवरा करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है. सो गैदरिंग एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलीग्स एंड फैमिली कैन बी बेनिफिशियल इन मैनी वेज. A friend may not only have some more information about a specific field, but he can also help us in the process of self-assessment. कि आपके दोस्त जो हैं वो अगर उस शोबे के ना भी हों तो वो आपको एटलीस्ट सेल्फ असेसमेंट में, तो क्योंकि वो आपको जानते होते हैं तो आपको वो मदद कर सकते हैं. If one of the family members or a friend is already there in the career we are considering, he can give us some necessary first-hand inside information about it. कि अगर हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार वहाँ पे पहले ही उस शोबे में हो तो वो हमें first-hand information जो है वो अंदर की information हमें दे सकता है. Such advice is always valuable in the right choice of career and in saving us from taking a wrong decision. नेक्स्ट ये है कि राइट द अंडरलाइंग मैसेज कन्वेड थ्रू द पैराग्राफ. ये जो पैराग्राफ है इसका अंडरलाइन किए, इसके अंदर से जो हिडन मीनिंग आपको मिलता है वो क्या है. सो द पैसेज अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ थॉरो डेलिब्रेशन बिफोर चूजिंग अ करियर. तो ये पैसेज आपको कहता है कि आपको जो है वो कोई भी करियर सेलेक्ट करने से पहले उसकी थॉरो डेलिब्रेशन करनी होती है, यानी कि खूब सोच विचार आपने करना होता है. वाइल इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर द प्रोफेशनल लाइफ वन शुड कीप कंसिडरिंग एंड रीकंसिडरिंग वंस करियर पाथ्स. One should take into account one's own interest, likes, dislikes and values. One should also see whether one has the potential for the qualification required for career of one's dream or not. Taking advice from friends, colleagues and family members can also be helpful. Uske baad jo next last aapka question hai, that is deduce meaning of the underlined words from the text. ये जो आपको ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, तो आपने क्या करना है इनका मीनिंग जो है वो आपने बताना है. ठीक है, पहला वर्ड है यू नो पीडियाट्रिक, फिर उसके बाद इनिशिएटिव, उसके बाद क्रिटिकल और इंटरैक्ट. तो पीडियाट्रिक क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है, डीलिंग विद केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन. इनिशिएटिव द एबिलिटी टू एक्ट फर्स्ट और ऑन वंस ऑन, कि पहला यानी कि इब्तदा करना. क्रिटिकल अ पेशेंट यू नो अ पेशेंट कंडीशन दैट रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट, यानी कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल. इंटरेक्ट का मतलब होता है टू इंगेज इन कम्युनिकेशन एंड अदर शेयर्ड एक्टिविटीज. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम पोएट्री. इसमें आपको दो पोएट्री के स्टैंजास दिए गए होंगे, जिसमें से आप कोई एक जो है वो हल कर सकते हैं. अच्छा, अब ये आपको लाइन्स दी गई हैं, विद माई हार्ट एंड सोल रेडी टू हेल्प आई एम, दो ओनली एज इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट आई एम, नेवर माइंड इफ द नाइट इज डार्क, आई शेल शेड लाइट इफ द वे इज डार्क, गॉड हैज बिस्टोव्ड अ टॉर्च ऑन मी, ही हैज गिवन अ शाइनिंग लैम्प टू मी, द गुड इन द वर्ल्ड ओनली दोज आर रेडी टू बी यूजफुल टू अदर्स हु आर. इकबाल की वो जो जुगनू वाली पोइम है, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के. तो ये जनाब पहली आपका पहला स्टैंजा है. तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द गिवन लाइंस. सो डोमिनेंट थीम ऑफ द लाइंस इज दैट रिगार्डलेस ऑफ हाउ टाइनी और ह्यूज यू आर, यू कैन बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू दोज इन नीड एज अ लिटिल फायर फ्लाई कैन शो अ स्ट्रे बर्ड टू वे होम, वंस वर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ यूजफुल वन इज टू अदर्स. सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर गुड इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट ओनली दोज पीपल आर गुड इन द वर्ल्ड हु आर यूजफुल टू अदर्स. तीसरा क्वेश्चन है कि राइट डाउन टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, डार्क और शाइनिंग. तो डार्क का जो राइमिंग वर्ड होगा वो पार्क और शार्क हो सकता है, और शाइनिंग का शाइनिंग, माइनिंग, डाइनिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह. नेक्स्ट जो है द ट्री दैट हैड नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, Never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. ये जो आपकी poem थी good timber, उसमें से ये stanza लिया गया. तो इसमें से पहला question है कि what is the main theme of the given lines? So the poet points out that a tree which has rain, sun and air in abundance for being alone in a plain does not become a towering tree. Towering tree बहुत बड़ा दरख्त.
The poet implies that the people who do not have to face hardships in life remain ordinary and cannot become great. सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों के विच टाइप ऑफ ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन नेवर बिकम अ फॉरेस्ट किंग, कि कैसा दरख्त होता है जो कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता. तो इसका जवाब ये है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट अ ट्री दैट ग्रोज इन एन ओपन फील्ड वेयर ब्लेसिंग्स शावर ऑन इट एंड इट हैज नो कंपेटिटर मुकाबिल टू फाइट फॉर इट्स शेयर ऑफ द सन एयर एंड वाटर नेवर बिकम्स अ फॉरेस्ट किंग, इट रिमेन्स एन ऑर्डिनरी किंग. तो लास्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजास, कि स्टैंजा की राइमिंग स्कीम लिखें. तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, ए ए बी बी सी सी, यानी कि पहली दो लाइंस जो है फाइट लाइट ए ए, प्लेन रेन बी बी, किंग थिंग सी सी. तो ये इसकी क्या होगी, राइमिंग स्कीम होगी. अगला जो आपका क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपके प्ले में से है. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज दैट व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले, इलैबोरेट एनी वन ऑफ देम, के एक प्ले के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं. सो द एलिमेंट्स ऑफ प्ले इंक्लूड सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, यू नो मोनोलॉग, सोलिलोक्वी, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज, स्पेक्टिकल एंड रिदम. तो ये होते हैं जनाब एक प्ले के एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. तो उसमें से प्लॉट को एक्सप्लेन कर रहा है ये, आप किसी और को भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो किसी और एलिमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्लॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ प्ले, इट कंसिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑन विच प्ले इज बेस्ड, इट कैन बी टर्म्ड एज द स्केलेटन ऑफ द प्ले, यानी कि जो आपकी कहानी होती है उसका ढांचा होता है प्लॉट. इट इज कंपोज ऑफ क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स फॉर द कैरेक्टर्स टू सॉल्व, इसमें प्लॉट में एक मसला दिया गया होता है जो कि आपने जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं. द प्लॉट ऑफ अ प्ले शुड बी बोथ एस्टॉनिशिंग एंड क्रेडिबल, अ टिपिकल प्लॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस. तो एक जो टिपिकल प्लॉट होता है उसमें एक्सपोजिशन होती है. सबसे पहले एक्सपोजिशन क्या होती है, एक्सपोजिशन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक्सपोजिशन विच इज इंट्रोडक्शन टू मेन कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. उसके बाद ये सेकंड उसका पार्ट होता है, सेटिंग और बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, राइजिंग एक्शन, ठीक है, ये इसका एक प्लॉट का एक पार्ट होता है. राइजिंग एक्शन क्या होता है, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली इंटेंसिफाइज. उसके बाद क्लाइमैक्स होता है विच इज द पीक ऑफ द टेंशन, ठीक है, और उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स, या इसको हम फॉलिंग एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, व्हेन सिचुएशन रिवर्सेज एंड मूव्स टुवर्ड्स द फाइनल रेजोल्यूशन. अ गुड प्लॉट इज वाइटल टू अ गुड प्ले. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्रिटिकली एनालाइज कॉन्फ्लिक्ट इन एनी प्ले यू हैव रिसेंटली रेड, एक्सप्लेन हाउ इट रिजॉल्व्स, कि कोई भी प्ले जो आपने पढ़ा है उसमें आप को कॉन्फ्लिक्ट क्या नजर आया और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हुआ, यू नो ये आपने बताना है. तो आप लोगों ने चूंकि प्रोग्रेस प्ले पढ़ा है तो आप दोनों क्वेश्चन, मतलब आपको प्ले में से जो भी क्वेश्चन आएगा, कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी, एक जनरल सा क्वेश्चन आएगा जिसको आपने प्रोग्रेस प्ले के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि कोई कैरेक्टर स्केच वगैरह नहीं आएगा. द प्ले प्रोग्रेस एग्जाम्पलीफाइज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन प्रोफेसर कॉरे एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड मिसिज मेल्डन एन एम्बेसडर ऑफ पीस. प्रोफेसर कॉरे इज एक्साइटेड दैट ही हैज इन्वेंटेड द फार्मूला फॉर एन एक्सट्रीमली डेडली बॉम्ब विच कुड वाइप मिलियंस एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड. He shares his triumph with his sister Mrs. Melton and expects that she would be equally happy. Mrs. Melton, on the other hand, is not happy at all. Already in mourning, mourning ka matlab udasi ya matam, mourning for her husband and son of the war victims, she tries to convince Professor Corey that he should destroy his formula as it will destroy life, but he rejects her appeal disdainfully. Mrs. Melton now undergoes an internal conflict. अब यहाँ से उसका internal, उसके अंदर एक फिर एक conflict. ये बाहर का conflict है, external conflict, कि वो दो बहन भाइयों के दरमियान एक जंग चल रही होती है. फिर अब Mrs. Melton के अंदर एक conflict आता है कि वो अब क्या करे. She has to choose between her brother and humanity. Finally, she resolves to save the humanity and thus stabs her own brother to death as it was the only means left to destroy the deadly formula. उसके बाद सेक्शन सी की जानेब हम बढ़ते हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज राइट योर रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एडवर्टाइज्ड इन द पेपर. तो इस तरीके का आपका रेज्यूमे राइटिंग का क्वेश्चन आएगा. रेज्यूमे राइटिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन हमें क्विकली देख लेते हैं कि रेज्यूमे कैसे सॉल्व हुई है. सबसे पहले नाम, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद सेलफोन नंबर, फिर उसके बाद आप अपनी जॉब समरी देते हैं. उसके बाद आप मार्केटिंग मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस देते हैं, यानी जिस कंपनी में आपने काम किया, जिस टाइम से जिस टाइम तक काम किया, आपके वहाँ पे रोल्स क्या थे. फिर उसके बाद अगली जॉब के हवाले से आप लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे अगली जॉब्स के हवाले से, दो तीन जॉब्स के हवाले से आप इस तरह लिख के उसके बाद अपनी स्किल्स बताते हैं, फिर एजुकेशन बताते हैं, और आपका रेज्यूमे ख़त्म हो जाता है. अच्छा, उसके बाद जो पाँचवा सवाल है बच्चों, इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़ इलस्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेज इन एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. पहला जो है टू एडजस्ट टू योर लो इनकम यू विल हैव टू डैश योर एक्सपेंसेस, कट डाउन या कट अप. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यू हैव टू कट डाउन. कट डाउन का मतलब होता है कम करना, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये है कि मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज हार्ड बट सम हाउ ही डैश इट.
ही गॉट इन टू इट या गॉट थ्रू इट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ही गॉट थ्रू इट। ठीक है, नीचे इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपके सामने दिया गया है, ही गॉट थ्रू इट। अच्छा, उसके बाद द चीफ गेस्ट डैश द प्राइजेस, गेव इन या गेव अवे, द करेक्ट ऑप्शन इज दैट ही गेव अवे द प्राइजेस, ही गेव अवे। अच्छा, उसके बाद द रिच शुड नॉट डैश द पुअर, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपान या लुक फॉरवर्ड टू, तो करेक्ट ऑप्शन इज लुक डाउन अपान, हकारत से नहीं देखना चाहिए, लुक डाउन अपान का मतलब होता है हकारत से देखना। एज हिज फादर डाइड अर्ली ही वॉज डैश बाय हिज अंकल, ही वॉज ब्रॉट फोर्थ या ब्रॉट अप परवरिश पाना, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। उसके बाद अगला है बच्चों डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, लुक अप या लुक इन टू, तो करेक्ट ऑप्शन इज लुक अप इन टू डिक्शनरी। ठीक है, कि इस लफ्ज को डिक्शनरी में देखो। आई विश टू डैश ऑन अ जर्नी, आई विश टू सेट इन या सेट आउट, द करेक्ट ऑप्शन इज सेट आउट। अच्छा, उसके बाद इट इज नो सरप्राइज इफ अ सन डैश हिज फादर, टेक्स टू या टेक्स आफ्टर, तो करेक्ट ऑप्शन इज टेक्स आफ्टर, कि अगर एक बाप बेटा अपने बाप जैसा होता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उसके बाद चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ऊपर फ्रेजल वर्ब थे, अब फॉर्म ऑफ वर्ब है। आयशा डैश टेलीविजन एवरी नाइट, तो हैबिट की बात हो रही है, तो आयशा वॉचेस टेलीविजन, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। उसके बाद बिफोर द डॉक्टर कुड डू एनीथिंग द पेशेंट, तो पेशेंट क्या हुआ, द पेशेंट एक्सपायर्ड, तो बिफोर द डॉक्टर कुड डू एनीथिंग द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, आई डैश द रिप्लाई बाय टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग आने वाला दिन है, तो आई शैल राइट या आई विल राइट द रिप्लाई बाय टुमारो मॉर्निंग। उसके बाद ही टोल्ड मी दैट ही डैश टू हेल्प मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प मी। उसके बाद ही डैश अब्रॉड सिंस 2010, ही हैज़ बीन लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इफ आई हैड मोर फ्री टाइम आई डैश अराउंड द वर्ल्ड, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, वी ऑफ्टन डैश आर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, वी ऑफ्टन विजिट। ठीक है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस होगा क्योंकि हैबिट की बात हो रही है। उसके बाद पंक्चुएशन है, तो पंक्चुएशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहले हमें गलती नजर आती है, एज सून है, तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एज का ए बड़ा होना चाहिए, एज सून एज दे यू नो वर ब्रॉट। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा ब्रॉट के बाद। ठीक है, ही ट्राइड द वुमेन्स, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी आनी चाहिए, द वुमेन्स थ्रॉट। ठीक है, द वुमेन्स थ्रॉट एंड स्ट्रक द स्वॉलन पार्ट विथ सो मच फोर्स, ये फुलिश क्वैक में से लिया गया है। ठीक है, एंड स्ट्रक द स्वॉलन पार्ट विथ सो मच फोर्स दैट द पुअर क्रिएचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपायर्ड के बाद फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद आह क्या है, अब ये क्या है, ये बेसिकली एक अटरेंस है, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। आह क्राइड द पीपल, दिस फेलो इज अ विलन। तो विलन के बाद क्या आएगा, विलन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और दिस फेलो इज अ विलन, इसके ऊपर क्या आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। तो ये इस तरीके से आपने इसकी पंक्चुएशन करनी है। उसके बाद लेटर राइटिंग है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री आस्किंग परमिशन फॉर अ पार्टी टू विजिट द फैक्ट्री। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस इस तरीके से, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, उसके बाद आप डेट डालेंगे, फिर उसके बाद जिसको आप खत लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस लिखेंगे। देखिए, ये आप जो बच्चे अभी तक पूरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कितना फायदा हो रहा है कि आपको सारा पेपर समझ आ रहा है कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप सर लिख के आप पूरा लेटर जो है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद योर्स ट्रूली कॉमा और उसके बाद XYZ पे आपका लेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन है, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग हैज़ अ ग्रेट एंड ऑनरेबल ट्रेडिशन, मुअल्लिमी का पेशा एक अजीम और बावकार रिवायत का अमीन है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डॉन ऑफ हिस्ट्री अंटिल रिसेंट टाइम्स, जो अवायल तारीख से लेकर हालिया वक्तों तक फैला है। ठीक है, बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स इज लाइकली टू बी मेड शार्पली अवेयर दैट इट इज नॉट हिज फंक्शन टू टीच व्हाट ही थिंक्स। ठीक है, लेकिन जदीद दुनिया में अगर कोई उस्ताद अपने आप को अपने पेशरुओं से मुतासिर होने दे, इस बात का इम्कान होता है कि इसे फौरन अच्छी तरह आगाह कर दिया जाए कि उसका काम अपनी सोच के मुताबिक पढ़ाना नहीं है, बट टू इंस्टिल सच बिलीव्स एंड प्रेजुडिसेस एज आर थॉट यूजफुल बाय हिज एम्प्लॉयर्स। ठीक है, बल्कि ऐसे अकायद और तसुबात को बच्चों में दाखिल करना है जिन्हें उसका आजिर यानी कि नौकरी देने वाला मुफीद समझता है। ठीक है, इन फॉर्मर डेज, गुजरे दिनों में अ टीचर वॉज एक्सपेक्टेड, एक उस्ताद से ये तवक्को की जाती थी, यू नो अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज एंड विजडम, के वो गैर मामूली इल्म हिकमत का हामिल होगा, टू हूज वर्ड्स मैन वुड वेल टू अटेंड, यू नो जिसके अल्फाज लोग ध्यान से सुनेंगे। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप एक डायलॉग लिख सकते हैं दो दोस्तों के दरमियान,
पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो अब ये एक सैंपल डायलॉग है जिसमें दो बच्चे हैं अली और उमर, जो कि आपस में बात कर रहे हैं। अली एंड उमर आर टू फ्रेंड्स, दे हैपन टू मीट एट अ मार्केट। तो जब भी आपने डायलॉग को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने उसका एक माहौल बताना है कि डायलॉग शुरू कहाँ से हो रहा है। तो अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम उमर, इट इज़ नाइस सरप्राइज टू सी यू हेयर, हाउ आर यू। तो उमर कहता है वालेकुम सलाम, आई ऑल्सो ग्लैड टू सी यू। अब देखें, महंगाई के हवाले से आपने बात करनी है तो अगर मार्केट का आप हवाला देंगे तो वो ज़रा ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो अली कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टू, हाउ डू यू हैपन टू बी देयर, क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड सूट फॉर माई अपकमिंग इंटरव्यू। तो इस तरीके से उनकी एक गुफ्तगू हो रही है जिसके ऊपर ये सारा का सारा डायलॉग है। और जनाब इस तरीके से आपका जो पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। यही डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसका लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट खुद ब खुद जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं गाना सुन रहा था, अगर आप वो गाना सुनना चाहते हैं तो इस गाने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि अगर आपने गाना इन्जॉय करना है तो आप इस गाने को भी इन्जॉय कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।